Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me, Sweet Sanu guys, and you are watching Sang Nonstop. So guys, again, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, पाकिस्तान इज सेफ कंट्री फॉर चैंपियन ट्रॉफी रोस्ट. टू बी ब्रो के जैसे वीडियो आती है ना, वैसे मुझे सजेशन मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, कमेंट आना शुरू हो जाते हैं, या टू बी ब्रो की वीडियो आ गई है उसके ऊपर रिएक्शन कर दो. तो अभी फाइनली जो है वो टू बी ब्रो की ये वीडियो जो है एक दो घंटा पहले ही आई है, तो इसके ऊपर मैं रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ. मतलब आपको एक दिन बाद ये मिल जाएगी वीडियो. जिस दिन ये टू बी ब्रो की वीडियो आएगी ना, उसे अगले दिन ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी. फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ये बताना कि व्हाई पाकिस्तान इज नॉट सेफ फॉर इंडियन टीम. मतलब पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की लड़कियां यार इतना चाह रही हैं कि इंडियन क्रिकेटर आए, विराट कोहली आए, हम उनको देखे. यार उनको आने दो, क्यों नहीं तुम आने दे रहे, जय शाह को बोलो ना कि उनको आने दे. तो बहुत ज्यादा यार लोग एक्साइटेड थे पाकिस्तान के जो है वो इंडियन क्रिकेटर्स आएंगे, हम उनको देखेंगे. 5-5 लाख की भी टिकट होगी तो हम लोग देखेंगे. पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 2 अरब लगा दिए थे, फिर भी भाई वो कह रहे हैं ना हम नहीं आ सकते, बिकॉज दे आर इन पावर. तो फिर उनका फैसला मानना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि कोई थर्ड जगह पे जो है ना, जैसे कि दुबई हो गए, इधर उधर वहां कर लेंगे. अब इंडिया के देखा देखी जो है वो जो अफगानिस्तान और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और ऐसे दूसरी टीम्स भी जो है वो फिर कहती हमने नहीं इंडिया आना, फिर इंडिया हमने नहीं, फिर पाकिस्तान आना, फिर पाकिस्तान का नाम जो है ना वो खराब ऐसे होता है. तो फिर अब पाकिस्तान की हरकतें भी तो फिर वैसी है ना. खैर छोड़ो, मैं नहीं रोस्ट कर रही. आप लोगों को पता पाकिस्तान के अंदर ये चीज कर दी गई है कि जो बंदा यूट्यूब पे बैठ के पाकिस्तान को रोस्ट करेगा या कुछ ऐसा करेगा ना, उसको सीधा जेल हो जाएगी. तो खैर चलिए गाइस, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं. सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फटाफट से यार वहां पे जाओ, वहां पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करो. 265 पे वो अटके हुए हैं, उसको कोई यार उसका नंबर कोई बढ़ाओ, उसको कोई 1K 2K पे लेके जाओ, व्यूज बढ़ाओ उसके. आप लोगों के लिए वो चैनल ओपन किया है, आप लोग जो अब वहां पे जो है वो कोई नहीं व्यूज, कोई सब्सक्राइबर नहीं. यार वहां पे जाओ, अपने दोस्तों को शेयर करो, इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करते जाना. और अब अपने मुंह पे लगाती हूँ ताला, क्योंकि मैं बहुत बोलने की आदत हूँ, मुझे बहुत बोलना पसंद है, तो इसलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो मेरा बोलना कभी बंद नहीं होगा. जय शाह को मैं कहूंगा आना है आओ पाकिस्तान, नहीं आना ना आओ, क्योंकि हमारा टूर्नामेंट आपके बगैर भी हो सकता है. गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, हमारी गवर्नमेंट से, इस दफा अपना स्टांस को स्टैंड करें और जो नहीं आए ना आने दें. हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहे हैं, हाइब्रिड मॉडल जो है ना वो पॉसिबिलिटी नहीं है. ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान सेफ सिटी है, सेफ कंट्री है. पाकिस्तान सेफ सिटी है, सेफ कंट्री है. आइए देखते हैं. बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ. क्वेटा के इलाके गुलिस्तान रोड पर धमाका हुआ है. आपको बताएं कि इस्लामाबाद के सेक्टर 10I में गाड़ी में धमाका हुआ है. यहां पर आपको अपडेट करें, खैबर से जहां थाना अली मस्जिद की हदूद में धमाका हुआ है. मुगलजई में पीपुल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस में दस्ती बम धमाका हुआ है. हजारगंजी जहां पर सब्जी मंडी के करीब धमाका हुआ है. क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस में धमाका हुआ है. जाफर के बोर्ड बाजार में धमाका हुआ है. पेशावर की पुलिस लाइन में धमाका हुआ है. और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है. नमाज जनाजा पढ़ाने वाला इमाम खुद भी सानिया पेशावर के शहदा में शामिल है. इमाम मस्जिद ने जोहर की नमाज के लिए जैसे ही अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की, धमाका हो गया. तो पोलको के मुल्क की हालत है, शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन पाकिस्तान में धमाका न होता हो. रोजगारी ट्रेन सब्जी मंडी बाजार पोल के किसी भी जगह को नहीं छोड़ते. और अगर कोई इंसान इन धमाकों में घायल होकर किसी तरह अस्पताल भी पहुँच जाए तो वहाँ भी. कराची के सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के इमरजेंसी वार्ड में धमाका खत्म. और अब तो पोल के धमाकों के इतने आदि हो चुके हैं कि अगर पाकिस्तान में 2-4 दिन धमाका ना हो तो बंदे खुद को उड़ा कर ही. ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे, बन्नू के इलाके बक्का खेल में खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया है. लेकिन अपने मुल्क की ये हालत नजर नहीं आती, इनको मुंह उठा मोदी क्या पहनी है. सबसे सेफ कंट्री इस वक्त पाकिस्तान है. मतलब आए दिन पाकिस्तान में धमाके होते फिरते हैं, या सुन्नी के नाम पर बंदे एक दूसरे को उड़ा रहे हैं, यहाँ तक कि पोरकी खुद बोलते फिरते हैं कब्रिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है. फिर भी पोरको की माने तो सबसे सेफ कंट्री इस वक्त पाकिस्तान है. ये ना समझा क्या मेरे को? और भाई अब खुद सोचो, एक ऐसे मुल्क में इंडियन टीम का जाना कहाँ तक जायज है जहाँ कदम कदम पर खतरा हो. खतरा मतलब जानलेवा खतरा, क्योंकि भाई अभी तक इंडियन टीम के पाकिस्तान जाने पर कोई फैसला भी नहीं हुआ है. और उधर पोरको की नफरत भरी
क्या शुरू हो गई? इंडिया नहीं आएगी पाकिस्तान में, ऐवी आएगी। हम खिलाफ हैं भाई, वो हमारे कश्मीरियों के साथ बुरा सलूक करते हैं, बुरा करते हैं, हम क्यों आने दें उनको? साथ हमारा भाई है ये, वो हिंदू भाई बन सकता है? मुझे बताएं, आप पाकिस्तान में रह के हम इंडिया को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? 1200 करोड़ पे आप ICC को दे, वो पाकिस्तान पूरी दुनिया में रिश्वत चलती है। आप उनको कहे इधर आए, वो आएंगे, वो पैसे के पुजारी है, वो भी हम भी। मुझे कुछ पैसे दे, मैं भी बिक जाऊंगा। कुछ पैसे मुझे दे दे, मैं जो कुछ कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। उतर आया ना औकात पे। अबे जो बंदा पैसे लेकर कुछ भी करने को तैयार हो, इनके जहन में भारत के लिए इसके अंदर नफरत भरी हुई हो, उन बंदों को स्टेडियम में जाकर फटने में कितना समय लगेगा? और की वर्ल्ड कप की हार के बाद वैसे भरे बैठे हैं। वो इसलिए है कि हम हारे थे, 20 मैच हारे थे ना, पूरी पाकिस्तानी आवाम ये चाह रही थी कि इंडिया इधर आएगा तो हम इनको हराएंगे। अगर नहीं हरा पाए तो हम अपने जैकटों के साथ बम बारूद बन के उनके अंदर भर जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है भाई। पोर्की कभी इंडिया पाक मैच को खेल के रूप में लेते ही नहीं, इनको हर मैच में दिखाई देता है बदला। बंदे वर्ल्ड कप में इंडिया से मैच हारे ही थे और बदले की भावना लिए उम्मीद किससे लगाने लगे? अरे लेजेंड्स हैं ये, शाहिद अफरीदी साहब, कमरान अकमल साहब, यस दीज आर बिग प्लेयर्स। जब ये सब इकट्ठे हो गए ना, आई थिंक दे विल बीट इंडिया। वर्ल्ड कप का बदला ले लिया, वर्ल्ड कप का पूरा बदला तो नहीं लिया, अभी फाइनल जीत के ही बदला लेंगे। अच्छा अगर आज पाकिस्तान जीत गया तो न्यूयॉर्क वाला बदला फिर हो जाएगा? रुको जरा, सबर करो। मतलब पोर्टुगल की नेशनल टीम कुछ नहीं कर पाई तो बंदे फटे किसमें से जाने लगे? बाबर आजम की टीम की जगह इसी टीम को अगर वर्ल्ड कप में भेज देते तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती। इसी टीम को जाना चाहिए T20 में खेलने के लिए। वर्ल्ड कप में यारी टीम को अगर भेज देते तो कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर देती। जो हमारे लेजेंड है, हमारी आजकल की टीम से 10 गुना बेहतर है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, बड़े भी छोटों के नक्शे कदम पर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। बाप तो आखिर बाप ही रहता है। हम कब जीतेंगे? वो दिन कब आएगा? सारी जिंदगी नहीं जीतेंगे, नहीं हरा सकते इंडिया। मतलब पोर्की इंडिया से एक मैच जीते ही थे, बंदे अपने प्लेयर्स में से इसका फटे जा रहे थे, मानो ये प्लेयर्स इनके ट्रॉफी जीतने का ख्वाब साकार ही कर देंगे। जिस भी पोर्की को देखो, काश ये अभी तक जवान होते तो ये जो वर्ल्ड कप हुआ है ये हमें जीत कर देते। इस टीम ने हमें बहुत खुश किया है और हमारी दुआएं टीम के साथ की ये फाइनल भी जीते। और जो लेजेंड्स थे, लेजेंड्स हैं और लेजेंड्स रहेंगे, और हमें बहुत ही उम्मीद है कि वो फाइनल्स में जाएंगे और जीतेंगे। पर जब ये लेजेंड्स भी पाकिस्तान को ट्रॉफी नहीं दिला पाए तब ये लेजेंड्स अपने आप को खिलाते हैं। लेजेंड्स तो ये लेजेंड्स हैं। वो ज्यादा दुख हुआ है, एज अ नेशन ऐसे लगते हैं जैसे कोई इंडिया के खिलाफ जलालत ही हमारे मुकद्दर में जो है ना लिखी हुई है। अबे सालों जब इंडिया के खिलाफ तुम्हारे मुकद्दर में जलालत ही लिखी हुई है तो मुंह फाड़ फाड़ कर पहले से बकचोदी क्यों पहनने लगते हो? शर्म करो। भाई इधर इंडिया की तरफ से पाकिस्तान जाने पर अभी तक कोई फैसला भी नहीं लिया गया और उधर इन बहन के घोड़े पोलियो ने शुरू कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की पाकिस्तान आमद के इम्कानात रोशन। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ने इशारा दे दिया। और तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स तक, इंडिया से क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत खुशी की बात सामने आई है। BCCI ने अनाउंस किया है कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगा। अच्छा, अबे मतलब सच है, ये जो स्क्रीनशॉट शेयर करते फिर रहे हो इसमें कहां लिखा है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगा? अपनी मर्जी से इसका ट्रांसलेट कर लिया। मतलब जैसा का कहना था कि रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतेंगे, लेकिन पोर्टुगल ने तो उनका पूरा बयान ही बदल दिया। बंदे इंडिया के पाकिस्तान आने की ऐसे फर्जी खबर चलाने लगे मानो इंडिया पाकिस्तान जाकर क्रिकेट खेलने को तैयार बैठा हो। कभी पोर्की कहते फिर रहे थे इंडिया के मैच रावलपिंडी में होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के मैचेस एक ही वेन्यू पर कराने की तजवीज। जराए के मुताबिक भारतीय टीम के इब्तदाई राउंड के मैचेस रावलपिंडी में कराए जाएंगे। तो कभी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के तमाम मैचेस लाहौर में रखने की तजवीज। आखिरकार रावलपिंडी लाहौर से शुरू हुआ सफर पोर्को का खत्म कहां हुआ? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बतौर प्लान बी हाइब्रिड मॉडल पर गौर रवाहमा। पाकिस्तान के साथ भारत के मैचेस किसी दूसरे मुल्क में कराने की तजवीज। पाकिस्तानी हमेशा सरेंडर कर रहे हैं हर बात पे। सरेंडर पाकिस्तानियों तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यार आपने बस इतना ही आज का जो है क्लास ले ली पाकिस्तानियों की। तो गाइस हम लोगों ने ये सारी वीडियो देखी और टू वी ब्रो दोबारा से जो है वो पाकिस्तान की क्लास लेते हुए हम लोगों को दिखाई दिए। और अगर हाँ यार अगर उनको जो है वो सिक्योरिटी का मसला है और विराट कोहली को, तो फिर यार नहीं, वो पाकिस्तान ना आए, वो जिधर मर्जी खेले वो सेव रहे बस, और हम उसको कहीं भी और देख लेंगे, टीवी पे देख लेंगे। अगर पाकिस्तान में आके उसकी जान को खतरा है तो फिर ना आए, कोई मसला नहीं है। हमें जो है वो विराट कोहली खेलता हुआ नजर आना चाहिए बस, कहीं भी खेल ले भाई, अच्छा खेलता है वो। और रोहित शर्मा अगर साथ हो तो सोने पे सुहागा आ जाता है, दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं।
बहुत अच्छे प्लेयर हैं दोनों, तो इंडियन टीम के हम शुरू से सपोर्टर हैं, शुरू से इंडियन टीम को पसंद करते हैं। तो बस एक उम्मीद एक थी दिल में यार, इस चीज की विश थी कि वो आए, हम लोग उनको देखे। बट हाँ, अगर उनका सिक्योरिटी का इशू है तो फिर ठीक है यार, हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है ना, आए कोई मसला नहीं। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाएगा, तो चलिएगा इस मुद्दे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।